हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर एस अकेडमी फॉर टेक्निकल एजुकेशन। इन टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द डाइनिंग फिलोसोफर प्रॉब्लम। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे कि डाइनिंग फिलोसोफर प्रॉब्लम क्या है और किस तरीके से हम उसका सॉल्यूशन निकालेंगे बाय यूजिंग सीमाफोर्स। डाइनिंग फिलोसोफर प्रॉब्लम इज़ वन ऑफ द क्लासिकल प्रॉब्लम ऑफ सिंक्रोनाइजेशन। जैसे रीडर राइटर्स प्रॉब्लम है, स्लीपिंग बाबर प्रॉब्लम है, बाउंडेड बफर प्रॉब्लम है। इस तरीके से ही आपकी जो डाइनिंग फिलोसोफर प्रॉब्लम है दैट इज़ ऑल्सो कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ क्लासिकल प्रॉब्लम ऑफ सिंक्रोनाइजेशन। अब हम देखते हैं पहले कि प्रॉब्लम है क्या, तभी हम उसका सॉल्यूशन निकालेंगे। तो डाइनिंग फिलोसोफर प्रॉब्लम में है क्या कि देयर इज़ ए राउंड टेबल, उस राउंड टेबल के चारों तरफ फिलोसोफर बैठे हुए हैं। वी हैव एज्यूम दैट द नंबर ऑफ फिलोसोफर इज़ 5, फिलोसोफर 1, फिलोसोफर 2, फिलोसोफर 3, फिलोसोफर 4, फिलोसोफर 5। देयर आर 5 फिलोसोफर्स। हर फिलोसोफर के पास, जैसे P1 फिलोसोफर है, उसके पास एक चॉपस्टिक है उसके लिए, P2 के पास अपनी एक चॉपस्टिक है, P3 के पास एक चॉपस्टिक है, P4 के पास एक चॉपस्टिक है, P5 के पास एक चॉपस्टिक है। यानी हर फिलोसोफर के राइट हैंड साइड में उसको एक चॉपस्टिक प्रोवाइड की गई है। और जो मिड है उसने एक राइस का बाउल रखा हुआ है, उस राइस के बाउल से हर किसी को चॉपस्टिक्स की हेल्प से आपको राइस खाने हैं। फिलोसोफर को राइस खाने के लिए कम से कम 2 चॉपस्टिक्स का रिक्वायरमेंट है, उसको दी एक गई है, लेकिन उसको रिक्वायरमेंट कितना है, 2 चॉपस्टिक्स का रिक्वायरमेंट होगा। यानी कि अगर मान लीजिए P1 को खाना है तो उसको चॉपस्टिक 1 चाहिए, चॉपस्टिक 2 चाहिए। ऐसे ही P2 को अगर खाना है तो चॉपस्टिक 2 चाहिए, चॉपस्टिक 3 चाहिए। 3 को अगर खाना है तो चॉपस्टिक 3, चॉपस्टिक 4 चाहिए। 4 को खाना है तो 4 और 5 चाहिए। फिलोसोफर 5 को अगर खाना है तो चॉपस्टिक 5 चाहिए और चॉपस्टिक 1 चाहिए। यानी अगर 5 को खाना है तो ये दोनों चॉपस्टिक चाहिए। एट ए टाइम एक फिलोसोफर एक ही स्पून को, या कह सकते चॉपस्टिक को पिक कर सकता है, या इनके कि दोनों चॉपस्टिक को एक बार में पिक कर लें। ही कैन ओनली सेलेक्ट और टेक 1 चॉपस्टिक एट ए टाइम। अब प्रॉब्लम ये है कि वो किस तरीके से 2 चॉपस्टिक चूज करे और अपना खाए, क्योंकि हर कोई अपना कोशिश करेगा चॉपस्टिक को लेने की। भाई 5 फिलोसोफर हैं, 5 को खाना है तो वो क्या करेंगे, 5 एक साथ खाने की कोशिश करेंगे तो सबको तो मिल नहीं पाएगी, किस तरीके से किसको मिलेगी, यही हमें डाइनिंग फिलोसोफर के थ्रू रिजॉल्व करना है। ठीक है, और उसके लिए हम किसका यूज़ करेंगे, सीमाफोर्स का यूज़ करेंगे। तो टेक्निकल तरीके से भी देख लेते हैं कि डाइनिंग फिलोसोफर प्रॉब्लम है क्या। 5 फिलोसोफर्स आर सिटिंग ऑन ए राउंड टेबल एंड आर इन ए थिंकिंग ईटिंग साइकिल। थिंकिंग ईटिंग साइकिल का मतलब दे आर थिंकिंग, आफ्टर दैट जब जिसको भूख लगती है वो ईट करता है, और ईटिंग करने के बाद फिर से अगेन वो थिंक करने लग जाता है। व्हेन ए फिलोसोफर गेट्स हंग्री ही नीड्स टू पिक अप 2 नियरेस्ट चॉपस्टिक्स। उसको अपने आसपास की 2 चॉपस्टिक चाहिए, तो वो क्या करेगा, एक लेफ्ट वाली लेगा, एक राइट वाली चॉपस्टिक लेगा और उसकी हेल्प से खाएगा एंड ईट्स। ए फिलोसोफर कैन पिकअप ओनली 1 चॉपस्टिक एट ए टाइम। एक बार में वो एक ही पिक कर सकता है, चाहिए उसको 2 खाने के लिए। द डाइनिंग फिलोसोफर प्रॉब्लम इज टू डिसाइड हाउ टू चूज 2 चॉपस्टिक, 1 हिज ओन एंड 1 ऑफ अनदर। एक उसकी अपनी और एक दूसरे की चॉपस्टिक। ठीक है, तो बाउल है, ये फिलोसोफर्स हैं आपके, ये सबकी चॉपस्टिक्स हैं, और हमें डिसाइड करना है कि मान लीजिए P1 है तो उसको ये दोनों कैसे मिलेंगी, P2 है उसको ये दोनों कैसे मिलेंगी, इस तरीके से। नाउ विल डिस्कस द सॉल्यूशन ऑफ द डाइनिंग फिलोसोफर प्रॉब्लम। और इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी, सीमाफोर्स की ज़रूरत पड़ेगी। सीमाफोर्स में हम 2 चीज़ें यूज़ करते हैं, एक यूज़ करते हैं हम वेट। वेट के अंदर क्या होता है, अगर मान लीजिए हमें वेट किसी वेरिएबल एस का निकालना है तो एस की वैल्यू S-1 हो जाती है अगर S आपका क्या है, ग्रेटर देन 0 है। यानी अगर S की वैल्यू 0 से ग्रेटर देन है तो वेट S हमेशा क्या निकल के आता है, S=S-1। ठीक, दूसरा हम एक यूज करेंगे इसमें सिग्नल का, सिग्नल क्या करता है, हमारा जो भी आपका सीमाफोर S होगा उसके साथ क्या ऑपरेशन करेगा, ये S=S+। यानी
वेट क्या करता है, वेट ऑपरेशन किसी भी सीमाफोर की वैल्यू को 1 सब्ट्रैक्ट कर देता है अगर सीमाफोर की वैल्यू 1 या उससे ज़्यादा है। और जो सिग्नल सीम है आपका, सिग्नल में ऑपरेशन में क्या करता है कि ये सीमाफोर की वैल्यू को 1 इंक्रीमेंट कर देता है, इसके लिए कोई कंडीशन नहीं है। इस प्रॉब्लम में जो हम सीमाफोर की हेल्प से सॉल्व करेंगे, तो हमने 5 चॉपस्टिक्स ली हुई हैं, ठीक है। हमें क्या करना है कि हर फिलोसफर को 2 चॉपस्टिक प्रोवाइड करानी है। सब तो एक साथ खा नहीं सकते, ठीक है। अगर कोई खाने की कोशिश करता है तो किस तरीके से वो एक्वायर कर पाएगा चॉपस्टिक्स के लिए, वो प्रोसेस हमने यहाँ पर दिखाया है। हमने यहाँ पर एक सिंगल फिलोसफर पी फिलोसफर आई के लिए दिखाया है, यानी कि फिलोसफर कह सकते हैं आई इक्वल टू 1, मान लीजिए फर्स्ट फिलोसफर के लिए दिखाया है। इसी तरीके से सेम कोड हम बाकी फिलोसफर, फिलोसफर जे, फिलोसफर के, फिलोसफर एम, फिलोसफर एन के लिए भी लिख सकते हैं। सेम कोड सबके लिए लिखा जाएगा। यहाँ पर हमने सिर्फ एक फिलोसफर आई के लिए कोड लिखकर दिखाया है, ठीक है। तो क्योंकि आपको चाहिए क्या, चॉपस्टिक चाहिए, यानी चॉपस्टिक्स का एक्सक्लूसिव यूज चाहिए, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, चॉपस्टिक को बनाना पड़ेगा सीमाफोर फॉर द म्यूचुअल एक्सक्लूसिव यूज। तो हम क्या करेंगे, जो चॉपस्टिक है उसको हमने क्या बना लिया, सीमाफोर बना लिया, ठीक। और क्योंकि नंबर ऑफ चॉपस्टिक्स आपके पास 5 हैं, तो यहाँ पर हमने 5 लिखा हुआ है, एरे ऑफ 5, चॉपस्टिक इज द एरे ऑफ 5, यानी कि 5 चॉपस्टिक्स हैं, और सभी की इनिशियल वैल्यू हमने क्या सेट कर रखी है, 1। यानी सीमाफोर चॉपस्टिक जितनी भी 5 चॉपस्टिक्स हैं, सभी की इनिशियल वैल्यू आपने क्या सेट कर रखी है, 1 सेट कर रखी है। यानी जितनी भी चॉपस्टिक्स हैं उनकी इनिशियल वैल्यू सेट है 1, यानी एक तरीके से सभी अवेलेबल हैं यूज करने के लिए। सीमाफोर में अगर वैल्यू 1 है, इसका मतलब है कि कोई भी उसको यूज कर सकता है। उसको यूज कब नहीं कर सकता, जब सीमाफोर की वैल्यू 0 हो जाएगी। एक बार सीमाफोर की वैल्यू 0 हो गई, फिर उसको कोई यूज नहीं कर सकता, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये वाला ऑपरेशन लग ही नहीं सकता अगर एस की वैल्यू, सीमाफोर की वैल्यू 0 हो जाती है, ठीक। अब मान लीजिए प्रोसेस फिलोसफर पहला वाला जो फिलोसफर है, फिलोसफर नंबर 1 P1, इसको चाहिए। तो ये क्या करेगा, 2 लेने की कोशिश करेगा, एक तो उसकी अपनी खुद की है और एक अपने साइड वाले लेने की कोशिश करेगा, ठीक है। अब उसको एक्वायर कैसे करेगा, एक्वायर करने का ये तरीका है कि ये क्या करे, उनके सीमाफोर जो चॉपस्टिक है, चॉपस्टिक के सीमाफोर की वैल्यू 0 कर दे, जिससे कि दूसरा कोई उसे यूज ना कर पाए। तो इसने क्या किया, फिलोसफर आई इक्वल टू 1 यानी कि P1 फिलोसफर ने, इसने ऑपरेशन लगाया वेट चॉपस्टिक आई। वेट चॉपस्टिक आई का मतलब चॉपस्टिक क्या है आपका, चॉपस्टिक आपका सीमाफोर है, और जब वेट ऑपरेशन लगाते हैं तो कौन सा ऑपरेशन होता है, s इक्वल टू s माइनस 1, यानी जो भी इस वेरिएबल की वैल्यू होगी वो एक कम हो जाएगी, ठीक है। और इस वेरिएबल की वैल्यू क्या है, 1 है, सभी वेरिएबल की इनिशियल वैल्यू क्या है, 1 है। तो जैसे ही इसने इस पे लगाया, तो चॉपस्टिक आई की वैल्यू 1 है, यानी कि चॉपस्टिक 1 की वैल्यू, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 0 हो गई। जैसे ही इसने वेट ऑपरेशन लगाया, तो वेट ऑपरेशन लगाते टाइम पर चॉपस्टिक आई की वैल्यू कितनी थी, 1। जैसे ही इसने इसको देखा, हाँ 1 है, तो इसने क्या कर दिया, चॉपस्टिक की वैल्यू 1-1 0 कर दी। भाई एस की जगह क्या दे रखा है, चॉपस्टिक आई तो दे रखा है, और चॉपस्टिक आई की वैल्यू 1 है, तो वेट 1 लगाया हमने, तो 1 की वैल्यू क्या हो गई, s इक्वल टू s माइनस 1, 0 हो गई। जैसे ही 0 हुई, ये इसको एक्वायर हो गई। अब इस चॉपस्टिक को इसके अलावा कोई यूज नहीं कर सकता। ये वाला कौन कर सकता था, फिलोसफर 5 यूज कर सकता था, लेकिन वो क्यों नहीं यूज कर पाएगा, क्योंकि इसकी वैल्यू 0 हो गई। और फिलोसफर 5 अगर इस पर लगाने के ऑपरेशन की कोशिश करेगा, कौन सा, वेट ऑपरेशन, तो वेट ऑपरेशन फिलोसफर 5 लगा ही नहीं पाएगा। क्यों, क्योंकि वेट ऑपरेशन कब लगता है, जब वैल्यू 1 या उससे ज़्यादा होती है, लेकिन इसकी वैल्यू इसने क्या कर दी है, 0 कर दिया, ठीक। इसी तरीके से ये क्या करेगा, वेट चॉपस्टिक आई प्लस 1 मॉड 5, एक तो इसको अपनी मिल गई, एक ये क्या करेगा, आपने इधर वाले के लाने की कोशिश करेगा। आई की वैल्यू 1 है, यानी चॉपस्टिक आई की वैल्यू 1 रखी, चॉपस्टिक 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 का मतलब
2% 5, यानी कि 2.5 कितना आ गया 2, यानी वेट चॉपस्टिक 2, चॉपस्टिक 2 कौन सी है, ये वाली। और चॉपस्टिक 2 की भी इनिशियल वैल्यू क्या है, सभी की इनिशियल वैल्यू क्या है 1 है, यानी चॉपस्टिक 2 की भी इनिशियल वैल्यू क्या होगी 1 होगी। तो चॉपस्टिक 2 की इनिशियल वैल्यू जो 1 है, इसका मतलब उस पर भी वेट ऑपरेशन लग जाएगा भाई। इसे एक तो इसने चॉपस्टिक 1 आपने ले ली, और दूसरी किसके लिए रहा है, चॉपस्टिक 2% 5, 2% 5 का मतलब 2, यानी कि चॉपस्टिक 2 को भी लेने की कोशिश कर रहा है। और चॉपस्टिक 2 की इनिशियल वैल्यू क्या है, सभी की इनिशियल वैल्यू 1 है, तो वेट ऑपरेशन इस पर भी लग जाएगा। और जैसे ही वेट ऑपरेशन लगेगा, चॉपस्टिक 2 की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इसकी भी वैल्यू क्या होगी, चॉपस्टिक 2 की 0 होगी। यानी अब इस चॉपस्टिक को ये भी यूज नहीं कर सकता। इसका मतलब ये हुआ, ना तो ये खा पाएगा अभी फिलहाल, ना ये खा पाएगा फिलहाल। जो इसके लेफ्ट और राइट वाले हैं वो तो खा नहीं पाएंगे, क्यों, क्योंकि उनको जो चॉपस्टिक चाहिए वो ऑलरेडी P1 ने एक्वायर कर ली, ना तो P5 खा पाएगा ना P2 खा पाएगा। ठीक है, अब इसी तरीके से आप क्या करेंगे, बाकी सबके लिए सेम रूल अप्लाई करेंगे। और जब इसको दोनों चॉपस्टिक मिल गई, यहाँ पे देखिए पहली चॉपस्टिक मिली, दूसरी चॉपस्टिक मिली, दोनों चॉपस्टिक मिलते हैं, इसने क्या कर दी, उनकी वैल्यू 0 कर दी। ऐसे क्या होगा, P3 P4 और P5 में कंपटीशन होगा, उसमें भी जो पहले जीत लेगा, पहले जो 2 एक्वायर कर लेगा चॉपस्टिक को, उसको अथॉरिटी मिल जाएगी। तो चॉपस्टिक एक तरीके से टोकन का काम कर रहे हैं कि जिसको भी इन दोनों का टोकन मिल जाएगा उसी को अथॉरिटी मिल जाएगी। उसके बाद ये अपना ईट करेगा, अपना खाएगा, खाना खाने के बाद कौन सा ऑपरेशन लगाएगा उन पर, सिग्नल ऑपरेशन, सिग्नल चॉपस्टिक आई। सिग्नल क्या करता है, वैल्यू को 1 बढ़ा देता है। जब इसका खाना खा लिया इसने, इसका काम खत्म, अब ये चॉपस्टिक को फ्री कर सकता है अपनी, तो इसने क्या कर दिया, सिग्नल चॉपस्टिक आई, और आई की वैल्यू क्या है, 0। तो सिग्नल और चॉपस्टिक आई की वैल्यू क्या है, 0। तो जब 0 रखेंगे तो क्या वैल्यू हो जाएगी ऑपरेशन के बाद, 0 एस इक्वल टू 0 प्लस 1, 1 वैल्यू फिर से आ गई भाई, 0 वैल्यू हो गई थी, सिग्नल लगाया, सिग्नल क्या कर देता है, वैल्यू को 1 बढ़ा देता है, तो उसने क्या कर दी, फिर से वैल्यू चॉपस्टिक आई की वैल्यू 1 कर दी। ऐसे ही सिग्नल चॉपस्टिक आई प्लस 1% 5, आई प्लस 1 का मतलब 2% 5, यानी कि चॉपस्टिक नंबर 2, इस पर भी क्या लग गया, सिग्नल ऑपरेशन लग गया। और चॉपस्टिक 2 की वैल्यू भी कितनी चल रही है, 0 चल रही है, तो इसकी वैल्यू भी फिर से क्या सेट हो गई, 1 सेट हो गई। 1 सेट होने का मतलब ये है कि अब ये चॉपस्टिक फिर से अवेलेबल है कि कोई दूसरा फिलोसफर उन्हें यूज कर ले। अब किसको अथॉरिटी मिलती है बट, जिसके पास सभी एक साथ लेने की कोशिश कर रहे हैं, जो भी पहले ये 2 ऑपरेशन लगा लेगा उसको अथॉरिटी मिल जाएगी सीधे सीधे। वो अपना खाएगा, खाने के बाद उन दोनों चॉपस्टिक्स को इन 2 ऑपरेशन के थ्रू फ्री कर देगा। सो आफ्टर दिस एल्गोरिथम हमें 1-2 पॉइंट और डिस्कस करने हैं। वो पॉइंट्स क्या हैं, दैट ऑल्दो दिस सॉल्यूशन गारंटीज दैट नो 2 नेकबोर्ड्स आर ईटिंग साइमल्टेनियसली, ये तो डिसाइड हो गया कि 2 आसपास के पड़ोसी नहीं खा रहे होंगे, बट जब P1 खा रहा होगा तो P1 ने ये भी 1 ले रखी है, ये भी 1 ले रखी है, इसका मतलब ना तो P2 खा पाएगा ना P5 खा पाएगा इसके साथ, अगर P1 खा रहा है तो। ये तो गारंटीज हो गई, बट इट हैज़ द पॉसिबिलिटी ऑफ क्रिएटिंग डेडलॉक, लेकिन इसकी वजह से आपकी डेडलॉक की प्रॉब्लम भी क्रिएट हो सकती है। वो डेडलॉक की प्रॉब्लम कैसे क्रिएट होगी वो हम देख लेते हैं। सपोज ऑल 5 फिलोसफर ग्रैब देयर राइट चॉपस्टिक साइमल्टेनियसली, 5ों के 5ों क्या करते हैं फिलोसफर भाई, P1 का ये है, P1 की अपनी ये है, P2 की ये है, P3 की ये है, P4 की ये है, P5 की ये है। हर कोई फिलोसफर क्या करता है, जैसे ही मान लिया 5ों को एक साथ भूख लगती है, 5ों क्या करते हैं, अपनी अपनी चॉपस्टिक एक्वायर कर लेते हैं भाई। सबको भूख लगी, सबने क्या किया, पहले से अपनी राइड वाली एक्वायर कर ली। अगर सबने अपनी राइड एक्वायर कर ली एक साथ, देन ऑल द एलिमेंट ऑफ द चॉपस्टिक्स 5 आर इक्वल टू 0 भाई। जैसे जैसे इन्होंने अपनी एक्वायर की, P1 ने अपनी एक्वायर की, P2 ने अपनी एक्वायर की, P3 ने अपनी एक्वायर की, P4 ने अपनी एक्वायर की, P5 ने अपनी एक्वायर कर ली, तो प्रॉब्लम क्या होगी, ये क्या कर देंगे अपनी चॉपस्टिक की वैल्यू को 0 कर देंगे भाई। सबसे पहले क्या करता है फिलोसफर, अपनी वाली चॉपस्टिक को 0 करता है, नहीं करता है, तो सभी प्रोसेस ने क्या किया, एक साथ ही अपनी अपनी चॉपस्टिक की वैल्यू को 0 कर दिया, एक्वायर कर लिया, यानी कि चॉपस्टिक्स को। तो क्या होगा,
जब सबने अपनी अपनी एक एक्वायर कर ली तो क्या बार पी वन जो प्रोसेस था उसको दूसरी वाली मिल पाएगी? नहीं मिल पाएगी। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी वैल्यू क्या हो चुकी होगी इसकी, चौबीस टिक की वैल्यू जीरो हो चुकी होगी। और अगर चौबीस टिक की वैल्यू दूसरे वाले की ऑलरेडी जीरो हो चुकी है तो फिर उसको कोई भी वेट ऑपरेशन नहीं लगाया सकता, यानी कोई भी दूसरा एक्वायर नहीं कर सकता। सो देन ऑल द एलिमेंट ऑफ चौबिस्टिक फाइव आर इक्वल टू जीरो, जीरो हो जाएंगे क्योंकि वेट ऑपरेशन लग जाएगा। सो नो फिलोसफर विल बी एबल टू ग्रैब हिज लेफ्ट चौबिस्टिक। इसको अपनी मिल गई, लेफ्ट वाली नहीं मिली। इस वाले को अपनी ये मिल गई, अपनी लेफ्ट वाली नहीं मिली। पी थ्री को अपनी वाली मिल गई, अपनी लेफ्ट वाली नहीं मिली। हर किसी को अपनी लेफ्ट वाली चॉपस्टिक मिलेगी नहीं, सबको एक एक राइट वाली मिल जाएंगी। अब ये तो एक नई प्रॉब्लम क्रिएट हो गया। हमने सॉल्यूशन तो निकाला कि कुछ फिलोसफर एट ए टाइम खा सकें और राइट और लेफ्ट में जो उसके बैठे हैं वो ना खा पाए, लेकिन ऐसा भी पर्टिकुलर केस क्रिएट हो सकता है जिससे कि डेडलॉक की प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए। तो सेवरल सॉल्यूशन आर पॉसिबल यूजिंग मॉनिटर्स। उसके लिए हम क्या करेंगे, मॉनिटर कंसेप्ट का यूज करते हैं। जैसे सीमाफोर कंसेप्ट है, इसी तरीके से मॉनिटर भी कंसेप्ट होता है। मॉनिटर कंसेप्ट का यूज करके वी विल डिस्कस अदर सॉल्यूशंस ऑफ डाइनिंग फिलोसफर प्रॉब्लम, एंड वी विल फर्स्ट डिस्कस मॉनिटर्स क्या हैं और उसके बाद हम डाइनिंग फिलोसफर का सॉल्यूशन मॉनिटर के थ्रू कैसे पॉसिबल होगा उसको सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इन दिस प्रॉब्लम वी हैव डिस्कस द सॉल्यूशन ऑफ डाइनिंग फिलोसफर प्रॉब्लम बाई यूजिंग सीमाफोर्स। बट सीमाफोर्स में भी एक प्रॉब्लम हो सकती है कि डेडलॉक की प्रॉब्लम हो जाए, उसके सॉल्यूशन के लिए हम मॉनिटर से सॉल्व करेंगे और उसके लिए हम पहले मॉनिटर स्टडी करेंगे, देन आफ्टर दैट वी विल सॉल्व डाइनिंग फिलोसफर प्रॉब्लम यूजिंग मॉनिटर्स। सो आई होप द बेसिक कंसेप्ट ऑफ डाइनिंग फिलोसफर प्रॉब्लम एंड इट्स सॉल्यूशन यूजिंग सीमाफोर्स इज क्लियर टू यू। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।